हमारे साथ इस वक्त मुल्क के मारूफ गज़ल गो शायर जनाब नज़ीर कैसर मौजूद हैं। गुजरात में आज ज़मींदार कॉलेज में ये तशरीफ़ लाए, हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। जनाब सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया बहुत सर, आपको कैसा लगा ज़मींदार कॉलेज में आना और मुशायरा पढ़ना और बच्चों का जो बहुत अच्छा लगा, बड़ा जानदार और बड़ा जीता जागता मुशायरा था। आप क्या समझते हैं कि जो मुशायरे हैं, क्या ये शायर की शायरी को कम कर रहे हैं या उसमें इजाफा हो रहा है, बेहतरी आ रही है? कुछ लोगों की शायरी तो ख़राब हो रही है मुशायरों से, वो मुशायरे के मुताबिक लिखते हैं। तो कुछ लोग हैं जो मेरी तरह हैं कि वो मुशायरों के लिए नहीं लिखते, लेकिन मुशायरों में पसंद भी किए जाते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड अपने मेयार को कायम रखते हैं। शायरी के हवाले से आपका नुक्ता नज़र क्या है? बेशुमार शायरी के हवाले से शायरी की तारीफ़ें मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि शायरी क्या है? अच्छा, शायरी एक तो मेरे नज़दीक दुनिया को खूबसूरत बनाने का अमल है, लेकिन हमारी जो शायरी है उसमें जो बेसिक बात है मायूसी बहुत है। मीर से लेकर नासिर काज़मी तक, शहर हैं तो उजड़े हुए हैं, महबूबा है तो बिछड़ी हुई है, पास है तो बेवफा है, सितमगर है कातिल है, तो ज़िंदगी जो है वो जबर मुसलसल की तरह काटी जा रही है, तो मायूसी बहुत ज़्यादा है। शायर ने तो वही लिखना है जो उसके गिर्दो पेश है। हाँ नहीं, ज़रूरी नहीं। अच्छा, शायर को वो भी लिखना चाहिए जो वो चाहता है, जो वो चाहता है, लेकिन अगर वो सोसाइटी में नहीं है तो वो उसे किस तरह रिफ्लेक्ट करेगा? फिर भी उसको वो पेंट करना चाहिए, जो मौजूद नहीं है चीज़ें उनके ख्वाब लोगों में तकसीम करने चाहिए, उनके ख्वाब लोगों में तकसीम करना चाहिए, तकसीम करने चाहिए। एक तो ये ना कि जैसा है वैसे आप कबूल कर लें चीज़ों को, एक ये है कि जैसा आप उसे तराशना चाहते हैं ज़िंदगी को। वो मेरा एक शेर है कि वो अपनी कोई नई शक्ल क्या तराशेंगे जिन्हें खुदा भी मिला है बना बनाया हुआ। तो हम बनी बनाई चीज़ों को वैसे ही, और एक हमारी याददाश्त हमें बड़ा ख़राब करते हैं, भरा हुआ हमने अपने जहन को यादों से, दिलो दिमाग को, जैसे कमरे को भर लेते हैं ना, इधर भी सामान इधर भी, इतना भर लेते हैं कि उसमें फूल रखने की जगह भी नहीं रहती। तो चीज़ों को खाली करना चाहिए, प्याला भरने के लिए पहले आपको प्याला खाली करना पड़ेगा। तो हम वो माजी के मारे हुए लोग हैं, मुहावरों के मारे हुए अपने आप को दोहराते चले जाते हैं, तो इससे निकलने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हम ज़ुबान भी बनी बनाई जो है, जैसे बिजनेस की एक टर्मिनोलॉजी होती है, सियासत की होती है, तो हमने इसको भी एक टर्मिनोलॉजी बना लिया है शायरी को। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी तब्दील हो रही है, अगर नहीं हो रही तो उसको होना चाहिए, करना चाहिए उसे, तो ज़ुबान को भी तब्दील होना चाहिए। हमारी शायरी की भी बनी बनाई ज़ुबान है, वो मैं कहता हूँ कि बलालगंज जैसे पुराने पुर्जे हैं ना पुरानी गाड़ियों के, तो हमने शायरी में बलालगंज खोला हुआ, घिसे पिटे पुराने पुर्जों की तरह पुराने लफ्ज़ हैं। तो अब उन लफ्ज़ों की एक उम्र होती है, अब नई ज़ुबान बनानी पड़ेगी नई शायरी के लिए। और उम्मीद, दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आँखों वालों को सब अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगना जो है ना, अब हमारे यहाँ महबूबा बेवफा है तो दोस्त आस्तीन का सांप है, इतनी नेगेटिव अप्रोच है ज़िंदगी के बारे में, इंसानी ताल्लुकात के बारे में, तो इससे निकलने की ज़रूरत है। ये शायरी को जो पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं, उनकी तरबियत का भी कुछ मसला नहीं है कि वो अगर मोहब्बत की शायरी है तो वो उसे एक ही समत की तरफ देखते हैं, और मोहब्बत के अंदर जो दीगर कैफियात हैं उन्हें वो ग्रिफ्ट में लेने की या उन्हें अंडरस्टैंड करने की उनमें सलाहियत नहीं है। जैसे आपकी शायरी है, मोहब्बत भी इसका मौजू है, लेकिन मोहब्बत में तो कई कैफियात हैं, अनगिनत हैं। हम समझते हैं वसल है या हिजर है,
उसके अलावा जो कदम कदम पे आपके साथ जो हैं वो बनते हैं, उसके हवाले से क्या कहते हैं? अच्छा, एक दफ़ा परवीन शाकर ने मुझे कहा कि सर वो आपकी शायरी में लफ्ज़ बहुत कम हैं, वो ये जैसे हम बोलते हैं, तो इसमें बड़ी शायरी कैसे हो सकती है, कैसे करेंगे आप और कैसे करते हैं? तो मैंने कहा असल में मैंने बहुत से लफ्ज़ों पे अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, जफा वफा सितमगर रकीब वाय शेख बेवफाई, तो उसने किसी लफ्ज़ को नहीं पकड़ा। परवीन कहने लगी कि सर ये जो बेवफा वाला मसला है, मुमकिन है आपको तजुर्बा ना हुआ हो। तो मैंने कहा मुमकिन है मुझे तजुर्बा हुआ हो, लेकिन एक दोस्त, एक महबूबा जो आपसे एक साल मोहब्बत करती है, 6 माह करती है, 6 दिन भी करती है, चलें तो एक छोटी सी गलती उससे हो जाती है, तो मैं उस गलती को अपने आप पर तारी नहीं करूँगा, मैं उसकी मेहरबानियों को याद रखूँगा जो इतना बरस उसने मुझ पे की। तो हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तरबियत की अब बात है, आप फिल्म इंडस्ट्री को देखें, वो हमने फिल्में बना बना के गंडासे वाले सुल्तान राय ये वो, अब शान भी उसी तरह चलता है जैसे हैंगर पे टंगे होते हैं ना लोग। तो ये तरबियत हमने करनी है, हम क्या देना चाहते हैं लोगों को। तो अब दिलीप कुमार की सरगोशी में बोला हुआ डायलॉग और चीख के बोला हुआ डायलॉग, तो इसमें फ़र्क होना चाहिए। हम खिताब करना चाहते हैं, गुफ्तगू नहीं करना चाहते, तो शायरी गुफ्तगू का नाम है बल्कि सरगोशी का नाम है। तो ये तहजीब हमारी जो है ना, वो शायद ललकारना थिएट्रिकल जो एक तरबियत थी हमारी आगा हशर कश्मीरी से, वो स्टेज तक तो ठीक है, फिल्म में भी वही है। माँ को भी ऐसे बुलाया जाता है जैसे झिड़क रहे हो माँ को, बुलंद आहंग की जो शायरी है। तो ये हमने अब मैंने तो एक थीसिस डेवलप किया ये सारा सोच के कि गालिब इकबाल नून मीम राशिद मजीद अमजद जफर इकबाल, पिछले 200 साल में ये 4-5-6 शायर हैं जिन्होंने थोड़ी वुसत दी चीज़ों को, तोड़ा फोड़ा, खराबी भी हुई उसमें जफर इकबाल ने की, लेकिन जब तक आप गुमराह नहीं होते तो आप रहनुमा नहीं बन सकते। गुमराही बहुत ज़रूरी है, वरना 4 रास्तों पे आप चलते रहेंगे ना, वो 5वां रास्ता भी है। तो इस तरह चीज़ों को नए जो तकाजे हैं हमारे, नई रवायात पैदा हो रही हैं सिर्फ पुरानी रवायात में, तो उसके लिए बेसिकली ज़ुबान को तब्दील करना और डिक्शन के साथ साथ अपने आप को तब्दील करना। हम असल में माजी परस्त बहुत हैं, तो जब तक माजी से निजात हासिल नहीं करते तो नई शायरी एक बड़े ख्याल की तरह है। एक सर तालिब इल्म की हैसियत से मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये बड़ी शायरी ये क्या है? जैसे ही यहाँ पे हमारे जो क्रिटिक हैं उनके सामने आते हैं जी मोहब्बत की है, महबूबा की शायरी है, ठीक है ये जनाब परिंदों की शायरी है, और ये कोई बड़ी शायरी तो नहीं है, बड़ी शायरी के मौजूआत कुछ और हैं। वो कौन से मौजूआत हैं? क्या वो मेटाफिज़िकल, वो कौन से मौजूआत हैं जो किसी शायर के बारे में हम कह सकते हैं कि ये बड़ी शायरी करते हैं? जैसे हम शायरों में सुनते हैं, बड़ा मुख्तसर इसका जवाब है कि हमारे जितने शायरी है ना वो मामला बंदी आपस में गुफ्तगू है, लेकिन गालिब के हाँ, इकबाल के हाँ, नून मीम राशिद के हाँ खुदा से डायलाग है, कायनात से डायलाग है, नेचर से गुफ्तगू है। तो ये जो ज़ाती मामला बंदी है इससे जब तक हम नहीं निकलेंगे तो बड़ी शायरी पैदा नहीं होगी। नहीं जी, ये जो ज़ाती मामला बंदी है या जो मोहब्बत है इसके भी ताने बाने तो जाके वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क है। पुराना शायर कहता है मैं उदास हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कहता हूँ दरख्त उदास है,
अपनी शायरी को नेचर में पेंट करता हूँ अपनी उदासी को, तो चीज़ों से नए रिश्ते बनाने की ज़रूरत है। नए दरख्त, कितने दरख्त हैं जो हमारी शायरी में जिनका जिक्र है, कितने फूल हैं, वही जो चले आ रहे हैं बस उसको दोहरा रहे हैं। तो मैं तो दरख्तों से हाथ मिलाता हूँ, जाके गुफ्तगू करता हूँ दरख्त जैसे मेरे पास चल के आते हुए, और उन दरख्तों को मैं नाम से बुलाता हुआ। तो कायनात से, नेचर से नया रिश्ता पैदा करने की ज़रूरत है, और कायनात से, नेचर से नया रिश्ता पैदा करके इंसान कभी मायूस नहीं होता। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, बहुत अच्छा लगा। आपने बड़े खूबसूरत सवाल किए, आप खुद भी बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। मोहब्बत सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम। हमें बड़ी खुशी हुई जब आप दोनों को हम इकट्ठा देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। यूँ लगता है कि शायर जो है उसके साथ उसकी शायरी चल रही। सब कहीं मैं आपको शेर सुनाती हूँ। मोहब्बत में किसी को क्या मिला है, मोहब्बत में किसी को क्या मिला है, मोहब्बत थी मोहब्बत का सिला है। मिले हैं हम जो दोनों इस ज़मीं पर, मिले हैं हम जो दोनों इस ज़मीं पर, ये कोई आसमानी सिलसिला है। बहुत शुक्रिया।